तो दीवानों, आज हम देखने वाले हैं डार्क डिजायर वेब सीरीज के सीजन 2 का एपिसोड फर्स्ट। तो ड्रामा की शुरुआत होती है जूलियटा की मौत से, जहां जूलियटा की लाश पानी में पड़ी होती है और फॉरेंसिक वाले अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इतने में डायरियो की एंट्री होती है और वो फूट फूट कर रो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लेडी पे, जो पेंटिंग एग्जीबिशन में एक पेंटिंग को देखकर रो रही होती है, क्योंकि उस पेंटिंग को देखकर उसे डायरियो की याद आ रही होती है। इतने में पीछे से डायरियो आता है और उस लेडी को लीस कहकर पुकारता है, तो वो लेडी वहां से भागने की कोशिश करती है। तो डायरियो उसका पीछा करता है, पर लीस टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। फिर सीन आलमा पर शिफ्ट होता है। वो अपनी साइकोलॉजिस्ट को बताती है कि उसे हर रात एक सपना आता है, जिसमें वो किसी के साथ टाइम बिताती है और चाहती है कि वो उस व्यक्ति के चेहरे को देखती रहे और वो वक्त वही थम जाए। पर जब भी वो उस व्यक्ति के चेहरे को देखने की कोशिश करती है, वो उसका चेहरा नहीं देख पाती है और उसकी नींद खुल जाती है। तो ये सुनकर साइकोलॉजिस्ट आलमा से कहती है, क्या तुम जानती हो आलमा वो व्यक्ति कौन है? तो आलमा कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट आलमा से पूछती है, फिर तुम उसका चेहरा क्यों नहीं देख पाती? तो आलमा कहती है, क्योंकि मैं डरती हूँ कि अगर मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं फिर से हवस की पुजारन बन जाऊंगी। फिर से इन इस्तेबान पर शिफ्ट होता है। पुलिस उसे जेल से रिहा कर रही होती है, पर इस्तेबान को बार बार उसका और डायरियो का पास्ट का एक कॉन्वर्सेशन याद आ रहा होता है, जिसमें इस्तेबान डायरियो से कहता है, डायरियो तुमने ब्रेंडा के साथ वक्त गुजारा, तुमने लियोनार्डो की जिंदगी बर्बाद की, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, अब तुम ये पैसे लो और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तो डायरियो इस्तेबान से कहता है, इस्तेबान अब बाजी पलट गई है, अब तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वही करो जो मैं तुमसे करने कहता। फिर सीन जोई पर शिफ्ट होता है। वो उसके अंकल इस्तेबान को लेने जेल के बाहर आती है। फिर सीन डायरियो पर शिफ्ट होता है। वो वर्कआउट कर रहा होता है तो उसे एक फोन आता है। वो व्यक्ति डायरियो से कहता है, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है डायरियो, जिसे देखकर तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तो डायरियो उस वीडियो को देखता है और उस वीडियो में उसे वो खुद ही नजर आता है। फिर सीन आलमा पर शिफ्ट होता है। वो घर आती है और लियोनार्डो को फोन लगाकर कहती है, शादी की कोई पत्रिका आई है लियो, जिस पर तुम्हारा और मेरा दोनों का एड्रेस है, तो क्या ये पत्रिका देने में तुम्हारे घर आ जाऊं? तो लियो आलमा से कहता है, नहीं नहीं आलमा, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तकलीफ मत लो, मैं खुद ही इस हफ्ते वहां आ रहा हूँ तुमसे मिलने, तब देख लूंगा। फिर सीन जोई और अंकल इस्तेबान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जोई इस्तेबान अंकल को उनके रहने के लिए एक घर दिखाती है और इस्तेबान अंकल से पूछती है, अंकल आपने ये सब क्यों किया हमारी फैमिली के साथ? तो इस्तेबान जोई से कहता है, नहीं बेटा नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो जोई कहती है, अंकल मम्मी कहती है आपने उस रात खुद कन्फेस किया कि आपने बदले की आग में जलते हुए ये सब किया। तो इस्तेबान जोई से कहता है, नहीं बेटा तुम्हारी मॉम झूठ बोल रही है, मैं तो उस रात आलमा को ये पूछने गया था कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, और फिर उसने मुझ पर बोतल से वार भी किया। फिर सीन आलमा पर शिफ्ट होता है। ऑफिसर यूजीना उससे कहती है, क्या तुम जानती हो आलमा इस्तेबान जेल से रिहा हो गया है? तो ये सुनकर आलमा बहुत शॉक हो जाती है और यूजीना से पूछती है, पर कैसे, सिर्फ कुछ ही महीनों में वो कैसे बाहर आ गया? तो ऑफिसर यूजीना कहती है, लगता है शायद उसने किसी बड़े आदमी की पहचान लगाई है। तो आलमा कहती है, यूजीना उस वक्त तुम भी वहां थी जब हमारा स्टेटमेंट लिया जा रहा था, वो हर चीज ऐसे पेश कर रहा था जिससे शक की सुई मेरे तरफ उठ रही थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मैंने लियो को मारने की कोशिश की, वो एक नंबर का झूठा और चालाक इंसान है। तो ये सुनकर ऑफिसर यूजीना कहती है, आलमा तुम सही कह रही हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इस्तेबान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला है जिसके बिना पर हम उसे लॉकअप में रख सके। फिर ऑफिसर यूजीना आलमा से पूछती है, क्या तुम जानती हो डायरियो कहाँ है? तो आलमा कहती है, मुझे कैसे पता होगा, इस्तेबान और उसकी मिली भगत थी, इस्तेबान से पूछो। फिर सीन जोई पर और इस्तेबान पर शिफ्ट होता है। वो अंकल इस्तेबान से पूछती है, अंकल डायरियो का क्या हुआ, क्या वो उस रात कंपनी में लगी आग में जलकर मर गया, या फिर वो वहां से भाग गया और कहीं छिपकर बैठा है? तो इस्तेबान जोई से कहता है, जोई डायरियो मेरा कल था, जिसे मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। फिर सीन लीस पर शिफ्ट होता है। वो साइकोलॉजिस्ट से मिलती है और थेरेपी ग्रुप ज्वाइन करती है। फिर सीन इस्तेबान पर शिफ्ट होता है। शाम के समय वो वॉकिंग पर निकलता है, तो वॉक करते वक्त उसे पास्ट की कुछ बातें याद आती है कि कैसे एक दिन अपने बदले की आग में जलते हुए उसने डायरियो को जान से मारने के लिए डायरियो पर गन तान ली थी और ये सब पुलिस वाले ने देख लिया था।
तो पुलिस से बचने के लिए इस्तेबान वहां से भाग रहा था और इस्तेबान ने चर्च में शरण ले ली थी। उसी वक्त वहां टेररिस्ट अटैक हो जाता है और टेररिस्ट इस्तेबान को गोली मार देता है, पर गोली होली बाइबल में लग जाती है और इतने में पीछे से पुलिस वाले आकर उन टेररिस्ट को खत्म कर देते हैं। तब से इस्तेबान ये मानता है कि उसकी जान गॉड ने बचाई है और तब से वो बहुत धार्मिक बन जाता है। फिर सीन जोई और करीना पर शिफ्ट होता है। वो दोनों इस्तेबान के गैर मौजूदगी में इस्तेबान के घर की तलाशी ले रही होती है, तो उन्हें वहाँ वही बाइबल मिलती है जिसमें गोली लगने की वजह से होल हो गया था। फिर सीन आलमा पर शिफ्ट होता है। वो डायरियो का वीडियो जो डायरियो ने मरने से पहले आलमा को भेजा था बार बार देखती है और बहुत रोती है। वो डायरियो के बारे में सोच सोच के पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है और फिर डायरियो के साथ इन्वॉल्व हो जाती है और फिर सुबह हो जाती है और उसका सपना टूट जाता है। फिर सीन थेरेपी ग्रुप पर शिफ्ट होता है, जहाँ लीज कहती है, एक साल पहले की बात है, न्यूयॉर्क में मैंने उसे आखिरी बार पेंटिंग एग्जीबिशन में देखा था। उस इरोज और साइकी वाली पेंटिंग को देखकर मुझे बार बार हमारी याद आ रही थी कि कैसे वो साइकी यानी वुमन उस इरोज के यानी अट्रैक्शन के देवता के बस में हो जाती है और हवस की पुजारन बन जाती है। तो आलमा को ये सब सुनकर बहुत अजीब लगता है और वो अग्रेसिव होकर लीज से पूछती है, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो तुम, क्या तुम मुझे जानती हो और ये कहानी तुमने कहाँ से सुनी, क्या इस्तेबान और तुम मिले हुए हो। तो थेरेपिस्ट आलमा को आग दिखाकर चुप रहने बोलती है। फिर सीन आलमा पर शिफ्ट होता है। वो घर आ जाती है और डायरियो गोरा की सोशल साइट चेक करती है, जहाँ वो डायरियो के फोटो को देखकर बहुत रोती है और उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो पत्रिका चेक करती है जिसमें डायरियो गोरा और उसकी मंगेतर जूलियाटा का नाम लिखा होता है। तो ये देखकर आलमा बहुत जलस फील करती है और बहुत रोती है। फिर सीन डायरियो पर शिफ्ट होता है। वो होटल के कमरे से निकलकर नीचे आता है अपनी मंगेतर को वेलकम करने। फिर वो वहाँ किस करते हैं और आलमा उन्हें दूर से देख रही होती है। फिर अचानक डायरियो की नजर आलमा पर पड़ती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन आलमा और थेरेपिस्ट पर शिफ्ट होता है, जहाँ आलमा थेरेपिस्ट को कहती है, डायरियो शादी कर रहा है पर वो यहाँ मेक्सिको में आकर क्यों शादी कर रहा है, और तो और वो भी उस होटल में जो मेरे घर से सिर्फ 10 कदम की दूरी पर है। मुनी, मुझे लगता है ये सब डायरियो की प्लानिंग है। तो थेरेपिस्ट आलमा से कहती है, वाह आलमा वाह, क्या सोच है, 2000 किलोमीटर दूर वो दोनों यहाँ शादी करने नहीं बल्कि तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने आएंगे। तो आलमा कहती है, मोनी मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए और उस बेचारी लड़की को डायरियो की सारी हकीकत बतानी चाहिए, मोनी मैं वहाँ जाऊंगी। तो थेरेपिस्ट आलमा से कहती है, देखो आलमा वो दोनों एडल्ट है, वो दोनों एक दूसरे के प्यार में है, वो जानते है कि वो क्या कर रहे है और वैसे भी वो लड़की तुम्हारी बात क्यों सुनेगी। तुम वहाँ गई और सपोज कि तुम्हें वहाँ डायरियो दिख गया तो तुम्हारे डार्क डिजायर्स वापस जाग जाएंगे। आलमा समझने की कोशिश करो, तुम वहाँ नहीं जाओगी। फिर सीन इस्तेबान पर शिफ्ट होता है। वो चर्च में गरीबों को खाना खिला रहा होता है तो फादर उसका ये काम देखकर उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं और उससे एक मदद मांगते हुए पूछते हैं कि क्या वो एक विधवा के लिए मकान बांधने में उनकी मदद करेगा। तो इस्तेबान फादर से हाँ कह देता है। फिर सीन जूलियाटा के डैड पर शिफ्ट होता है। वो मैक्सिको में उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां जूलियाटा और डायरियो की शादी होने वाली होती है। फिर वहां वो उन दोनों से मिलते हैं और फिर वो सब सेलिब्रेट करने के लिए साथ में ड्रिंक भी लेते हैं। इतने में डायरियो की नजर एक आदमी पर जाती है जो बिल्कुल इस्तेबान जैसा दिख रहा होता है, तो वो चौंक कर उस आदमी की तरफ देख रहा होता है और अपने ससुर इनिगो से पूछता है, क्या इस्तेबान जेल से छूट गया। तो इनिगो डायरियो से कहता है, मुझे नहीं लगता है कि वो जेल से छूटा होगा, पर फिर भी मैं एक बार पता लगा लूंगा। फिर सीन जोई और आलमा पर शिफ्ट होता है, जहाँ जोई आलमा से कहती है, मॉम अंकल जेल से छूट गए हैं। तो आलमा कहती है, तुम्हें कैसे पता चला जोई, क्या तुम उससे मिल रही हो, तुम उससे कहाँ मिली, कहाँ रह रहा है वो, क्या तुम उसके घर गई थी, तुम्हें उस आदमी से दूर रहने बोला है ना जोई, क्या तुम जानती नहीं हो, क्या उस आदमी ने हम लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, वो आदमी एक मुजरिम है, मुजरिम, उस आदमी ने हमारी फैमिली के साथ क्या क्या नहीं किया, वो हर एक पल एक ही चीज की रट लगाए बैठा था कि मेरी वजह से हमारी फैमिली के साथ इतना कुछ हुआ है, मैं गुनहगार हूँ वो नहीं। तो जोई कहती है, मॉम मैं ये नहीं बोल रही कि आप झूठ बोल रही हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अंकल सच कह रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कंफ्यूज हो, कोई बात है जो आपको ध्यान में नहीं आ रही होगी, और वैसे भी वो मेरे अंकल है मम्मा, मैं उनसे बात करना कैसे छोड़ सकती हूँ, और वो अब बदल गए हैं, वो धार्मिक इंसान बन गए हैं, आप उन पे विश्वास कर सकती हो मम्मा।
तो आगे क्या होगा? क्या आलमा जूलियाडा को सब सच बताने होटल जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।